हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैच जो हम कवर कर रहे हैं वो है टर्की सुपर लीग का मैच बिटवीन ट्रैबजोंस्पोर एंड इस्तानबुल बसकशहीर। पॉइंट्स टेबल में देखें तो 1-3 का ये मैच है। ट्रैबजोंस्पोर जो हैं वो लीग लीडर्स, 18 मैचेस में 45 पॉइंट्स, प्लस 22 का गोल डिफरेंस है उनका। दूसरी ओर इस्तानबुल जो हैं वो थर्ड पोजिशन पर, 18 मैचेज में 32 पॉइंट्स और प्लस 10 का गोल डिफरेंस है उनका। तो फ्रेंड्स, ये हाई क्वालिटी टीम्स हैं दोनों इस लीग की, अच्छे डिफेंसिव वाली टीम्स हैं, तो हमें लगता है काफ़ी क्लोज इनकाउंटर होगा। ये हो सकता है 1-1 टाइप का ड्रॉ मैच हो या फिर कोई एक टीम इसे 2-1 से जीत जाए। तो इस केस में हमने विजिटिंग टीम के जो गोलकीपर हैं उनको अपनी टीम में गोलकीपिंग के लिए सेलेक्ट किया है, ओनली बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ सेव्स। सेव्स के 6 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 में, तो जितने ज़्यादा सेव ये कर पाएंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स ये बटोर सकते हैं आज के मैच में। आप चाहें तो होम टीम के कीपर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा जो क्लीन शीट का हमें पोटेंशियल लग रहा है वो होम टीम का ही लग रहा है। जनरली लग रहा है कि ये मैच हाई स्कोरिंग शायद ना हो। मिडफील्ड टसल इस मैच में ज़्यादा होने की हमें आशंका लग रही है। डिफेंस में हमने पिक किए हैं होम टीम के तीन डिफेंडर जो हैं ब्रूनो पेरेस, एडगर ले और विटोर ह्यूगो। अपार्ट फ्रॉम द स्लाइट क्लीन शीट पोटेंशियल, इनके इंटरसेक्शन और टैकलिंग के काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप देखें तो विटोर ह्यूगो ने 25 इंटरसेप्शन और 11 टैकल्स किए हैं। सेम एडगर ले ने 23 इंटरसेप्शन 10 टैकल्स किए हैं, और उसके अलावा ब्रूनो पेरेस ने भी 18 इंटरसेप्शन और 16 टैकल्स किए हैं। तो इनका जो पॉइंट का पोटेंशियल है बनाने का काफ़ी हाई है। अपार्ट फ्रॉम द हाई नंबर ऑफ पासेज एंड असिस्ट पोटेंशियल ऑल्सो, ये टैकल्स और इंटरसेप्शन के भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। इस्तानबुल की तरफ से हमने लियो डुआर्टे को सिलेक्ट किया है। ये पिछले 2-3 मैच से टीम में नहीं थे, लेकिन आज इनके खेलने की आशंका है और ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इनको हमने इस्तानबुल की तरफ से पिक किया है। मिडफील्ड से पहले हम स्ट्राइकर्स पे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो स्ट्राइकर्स में आप देखें तो स्टेफानो ओकाका इस्तानबुल की तरफ से, इन्होंने 9 गोल स्कोर किए हैं और 2 असिस्ट किए हैं। और इन्हीं की टीम में एडिन विस्का जिन्होंने 4 गोल्स और लीग हाईएस्ट 8 असिस्ट किए हैं। तो हाई असिस्ट पोटेंशियल एडिन विस्का का गोल्स के साथ साथ। और तीसरे अटैकर जो हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो है इस होम टीम के स्ट्राइकर एंड्रियस कॉर्नेलियस जिन्होंने 9 गोल और 1 असिस्ट किया है। उसके अलावा जनीनी का भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इन्होंने 5 गोल और 2 असिस्ट किए हैं। लेकिन हम एक टाइम पे 3 ही स्ट्राइकर्स पिक कर सकते हैं, तो हमने अभी के लिए जो 3 स्ट्राइकर्स पिक किए हैं वो आपके सामने हैं। फाइनल लाइनअप अनाउंस होने के बाद अगर कोई चेंजेस होंगे तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड मिडफील्ड की तरफ। तो देखो, नवाकामे के सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन उनको थाई स्ट्रेन है, वो आज स्टार्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज वो एक सिंपल पिक थे कि उनको तो टीम में लेना ही है, इन केस अगर स्टार्ट करते तो हमें ज़रूर पिक करेंगे उनको। सिमिलरली बाका सेटस जो हैं ट्रैबजोंस्पोर की तरफ से, इनके भी 7 गोल और 4 असिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच भी मिडवीक में स्टार्ट नहीं किया था और अगर आज भी स्टार्ट नहीं करेंगे शायद। इन केस बाका सेटास और नवाकामे स्टार्ट करते तो ये दोनों टीम में होने ही चाहिए। फिलहाल अभी के लिए हमने जो हमें स्टार्टिंग लाइनअप में प्लेयर्स लग रहे हैं खेलेंगे उसमें से हमसिक को सिलेक्ट किया है। ये क्रॉसेस बहुत करते हैं, 60 क्रॉसेस इन्होंने लीग में किए हैं अभी तक, 2 गोल 2 असिस्ट भी कर चुके हैं। उसके अलावा इनका टैकल्स और इंटरसेप्शन का रिकॉर्ड भी अच्छा है। देखिए, रीसेंट मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, पिछले मैच में नहीं खेले थे लेकिन उससे पहले दोनों बार ड्रीम टीम में थे। उसके अलावा हमने सेलेक्ट किया है डेनिस तुरूप को, तो इनको भी देखिए पिछले 3 में से 2 मैचेस में ड्रीम टीम में थे और इनका भी असिस्ट टैकल्स और इंटरसेप्शन का पोटेंशियल है। गोल्स इतने स्कोर नहीं करते हैं बट पॉइंट ज़रूर एक्युमुलेट करते हैं मिडफील्ड में। और तीसरे जो हमने मिडफील्डर सेलेक्ट किए हैं वो हैं ओज़डेमीर। ओज़डेमीर का भी टैकल और इंटरसेप्शन पोटेंशियल बहुत है, इन्होंने 22 टैकल और 30 इंटरसेप्शन किए हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत अच्छा रिकॉर्ड है।
उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर फाइनल टीम्स जब आती हैं तो कोई चेंजेस होते हैं तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। तो कैप्टनसी के लिए हमने जो प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं वो हैं स्टेफानो ओकाका और एंड्रियस कॉर्नीलियस। आप दोनों में से किसी को भी वाइस कैप्टन और कैप्टन रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू थिंक द टीम्स विल प्ले। तो हम अभी ओकाका को कैप्टन और कॉर्नीलियस को वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, कॉर्नीलियस को कैप्टन और ओकाका को वाइस कैप्टन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव अ लुक इन टू एडिन विस्का, इनका असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है। तो ये तीनों अटैकर्स में से आप किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन स्कोर चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। फाइनल टीम के लिए हम आपको मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले दोबारा एक लाइनअप अनाउंस होने के बाद वाली टीम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्ले ड्रीम इलेवन रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।